अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। आज ये आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि इन मेडिकेयर क्रीम में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी क्रीम है, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी क्रीम रहेगी प्राइस वाइज, यानी कि लो प्राइस में कौन सी क्रीम ज़्यादा अच्छी है और हाई प्राइस पर कौन सी क्रीम ज़्यादा अच्छी है। सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इनकी प्राइस की अगर मैं बात करती चली जाऊँ तो 600 से ये क्रीमें स्टार्ट हो जाती है। मेडिकेयर जो क्रीम्स होती हैं वाइटनिंग क्रीम, 600 से लेके 1200 1500 तक जो है वो इनकी प्राइसेस अप होती रहती हैं। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम जो है वो ग्लैम फेयर है। फ्रंट से जो है वो इसका नाम थोड़ा सा मिट चुका था, लेकिन मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ। ग्लैम फेयर वाइटनिंग क्रीम है ये। ये जी कंप्लीट ब्यूटी पैकेज है, आपकी स्किन कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में, फाइन लाइंस को, फ्रैकल है अगर स्किन पे पैच है उनको भी कम करता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करते चली जाऊँ तो इसमें 5 वाइटनिंग इंग्रेडिएंट जो मेन होते हैं वो मौजूद है। इसके अंदर ग्लूटाथायोन है, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, लिकोरिक एसिड, अल्फा आर्बिटम, ये तमाम इसके अंदर मौजूद हैं जो कि मेन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम के अंदर। तो जी इंग्रेडिएंट वाइज मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी। फार्मेसी पे जब मैं गई तो मैंने इस क्रीम को परचेज़ कर लिया, क्योंकि इस इंग्रेडिएंट जो है बहुत हाईलाइट थे और बहुत ही अमेजिंग इसका जो है वो क्रीमी सा टेक्सचर था। मुझे लगा कि इस क्रीम को जरूर ट्राई करना चाहिए, तो मैंने इसको परचेज़ किया और इसको टेस्ट आउट किया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं लास्ट में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इन तमाम क्रीमों के साथ कैसा रहा। उसके बाद ये आ जाती है ये डर्माटीन क्रीम। डर्माटीन क्रीम क्लेम करती है ये हाइड्रोक्विनोन फ्री है, पैराबीन फ्री है, कोजिक एसिड फ्री है। पैराबीन और हाइड्रोक्विनोन तो माना जाता है ये दो इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, मगर कोजिक एसिड एक वाइटिंग इंग्रेडिएंट है जो किसी भी मेडिकेटेड क्रीम के अंदर लाजमी होना चाहिए। इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स वाइटिंग मौजूद हैं। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स इजीली जो है इसको अफोर्ड कर सकती हैं। टीन एजर जो है वो आलमोस्ट इसकी प्राइस जो है वो 600 to 700 के राउंड अबाउंड ही है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। डर्माटीन वाइटिंग क्रीम है, डर्माटोलॉजिस्ट भी इसको रेकमेंड करते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब जी यहाँ देख सकते हैं कि एक क्रीम पहले मैं जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर चुकी हूँ और दूसरी क्रीम जो है वो न्यूली बाय है और उसको जो है वो लगा रही हूँ। नो डाउट डर्माटीन वाइटिंग क्रीम एक वाइटिंग क्रीम है जो कि ऐसे ऐसे से आपकी स्किन को जो है वो फेयर अप करती है। आपके अगर बहुत ज़्यादा स्किन डल हो चुकी है तो उसको जो है वो लाइटन करने में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद ये आ जाती है मैक्स डी वाइटनिंग क्रीम, द मोस्ट फेमस जेनफ्रेम प्रोडक्ट। मैक्स डी वाइटनिंग क्रीम ब्राइटनिंग क्रीम है और ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आलमोस्ट तमाम जो है वो सेलिब्रिटी ने जो है वो इस क्रीम को जो है वो यूज़ किया हुआ है और इसके रिजल्ट भी शेयर किया हुआ है। उन्हीं की रिकमेंडेशन पर मैंने इस क्रीम को परचेज़ किया था और आज से आलमोस्ट 6 से 8 मंथ पहले जो है वो सिर्फ मैंने नहीं, मेरे घर में तमाम लोगों ने इस क्रीम को ट्राई किया हुआ है। इस क्रीम पे जो बात हुई है वो डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। जेनफ्रम प्रोडक्ट है, आप इनकी वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट यहाँ पे इस क्रीम के ऊपर मेंशन है, अदरवाइज़ आपको किसी फार्मेसी से भी ये इजीली मिल जाएगी और इस क्रीम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद ये आ जाती है एक और मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम जो कि बायोफेट है और आपने इसका नाम भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। बायोफेट वाइटनिंग क्रीम कैसी है, अल्ट्रा वाइटनिंग क्रीम है और एंटी ऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद है। ये भी जी वाइटनिंग के लिए ही मानी जाती है, आपके स्किन टोन को लाइटन करती है और आपके अगर हाइपर पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है, अगर सन बर्न हो गया, स्कार है, एक्ने के स्कार हैं तो उसको जो है फिट अप करती है, कम कर देती है और आपके स्किन टेक्सचर को जो है वो लाइटन करती है। उसके बाद जो आ जाती है ट्रू मैक्स वाइटनिंग क्रीम। ट्रू मैक्स वाइटनिंग क्रीम का क्या रिजल्ट है और ये क्या कुछ क्लेम करती है। ये जी क्लेम करती है कि नॉन हाइपोलर्जेनिक, नॉन ग्रीसी है और इसके अंदर वाइटनिंग इन्ग्रीडियंट्स जो मौजूद हैं लिकोरिक एसिड, एक्जैक्ट अल्फा आर्बिटम, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, नायासिनामाइड, हेलोरोनिक एसिड, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और ये इस क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये चीज़ ये मेंशन कर रहे हैं कि इसको आप जो है वो एल्बो पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेक पे भी और जो है वो अंडर आर्म्स में भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इस क्रीम को फेस पर यूज़ कर रही हूँ और फेस पर ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके हैं। ये मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम है और इसका भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यानी मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम का एक फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ये है कि इस क्रीम को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका जो है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं फेस पे दिखने को मिलता। उसके बाद ये आ जाती है हमारे पास फेयर एंड पिंक ग्लो SPF 30 के साथ जो कि एक डे क्रीम है और इसको नाइट में भी यूज़ किया जा सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है इस क्रीम का, इसमें भी वाइटनिंग इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, ग्लोइंग करते हैं आपकी स्किन को, स्किन टोन को, टेक्स्चर को इम्प्रूव करती है। इस क्रीम में SPF 30 मौजूद है इसलिए इसका आप डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप डे टाइम किसी वजह से नहीं यूज़ कर रहे तो आप नाइट टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब डे में यूज़ करें और नाइट में नहीं यूज़ कर सकते तो एक्सेट्रा।
अच्छा जी, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया डिटेल में, ये सब कुछ ये था कि जो ये क्रीमें क्लेम करती हैं और ये इन क्रीमों के क्या फ़ायदे थे। अब ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अगर इन क्रीमों के साथ शेयर करती चली जाऊँ कि मैंने जब इनको परचेज़ किया और इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और मैं ये भी आप लोगों को बताते चली जाऊँ कि तमाम क्रीमें मैंने ट्राई नहीं की हुई। मैंने जो क्रीमें ट्राई की हैं वो है मैक्स डी क्रीम, ट्रू मैक्स क्रीम और जो है फेयर एंड पिंक, यानी कि फेयर एंड पिंक क्रीम। ये क्रीमें मैंने ट्राई की हैं, ट्रू मैक्स डर्मोटीन और ये ग्लैम फेयर जो क्रीम है ये मेरी सिस्टर ने ट्राई की है, और उसका क्या कहना है ये सब कुछ आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो एक ग्लैम फेयर के बारे में उसका कहना ये है कि इस क्रीम ने उसके फेस पर जो है वो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उसके फेस पर इस क्रीम के साथ। मतलब कि जैसा ये क्रीम क्लेम कर रही थी कि इसके अंदर बहुत से 5 जो है वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वाइटिंग इंग्रेडिएंट, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी और मैंने इस क्रीम को परचेज़ किया था। मेरी सिस्टर की स्किन जो है वो थोड़ा डल हो गई थी यानी गर्मियों में, तो ये क्रीम मैंने परचेज़ करके उन्हें दी थी कि वो इस क्रीम को ट्राई करें और डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा, मगर उनको इतना कोई खासा इस क्रीम से फ़र्क नहीं पड़ा। उसने इस क्रीम को ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने तक यूज़ किया है, थोड़ा सा इसने लाजमी जो है वो उसकी स्किन को ठीक कर दिया था, मगर वो जो कहते हैं ना कि हाँ भाई स्किन ब्राइट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ स्किन को, इतना कोई खासा इसने फ़र्क नहीं पड़ा ग्लैम फेयर ब्राइटनिंग क्रीम। इस क्रीम की प्राइस की तरफ आऊँ तो इसकी क्रीम की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 585 यानी राउंड अबाउट 600 के करीब है, 585 रुपये में ही आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद ये आ जाती है ये डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम, ये मेरी सिस्टर ने ही यूज़ की है डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम, और इसी ने ही ये 2 जो है वो इसके पैकेज जो है वो एक को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था 2-3 महीने रेगुलर में वे में यूज़ करके, और दूसरी क्रीम जो है वो उसने न्यूली बाई की थी। अच्छा जी, उसकी स्किन पे क्या असर इस क्रीम ने छोड़ा? उसकी स्किन जो है वो उसकी डेफिनेटली उसकी स्किन पे फ़र्क पड़ा डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम से। अगर आप इसको रेगुलर वे में यूज़ करते चले जाएँ तो ये 1 टोन लाइट अप करती है और आपकी स्किन को जो है वो उसी शेड में रखती है। ये नहीं है कि आपकी स्किन ने थोड़ा सा इम्प्रूव अगर टेक्स्चर हुआ है तो उसके बाद इसको छोड़ने के बाद डल कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगी डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम, उसने इसको जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक उसने इस क्रीम को यूज़ किया है, उसी की रिकमेंडेशन पे मैंने इसका रिव्यू दिया है। तो डेफ़िनेटली ये क्रीम उसे सूट की है और उसने इस क्रीम को रेगुलर वे में अगर इस्तेमाल करें ये वाली डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम तो ये डेफ़िनेटली फ़र्क इससे पड़ता है। तो टीनएजर्स जो कंफ्यूज हैं कि डर्मेटीन वाइटिंग क्रीम अगर हम परचेज़ करें या ना करें तो वो डेफ़िनेटली इसको परचेज़ कर सकती हैं। उसके बाद ये आ जाती है मैक्सडीप के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैक्सडीप क्रीम ना सिर्फ मैंने ही खुद यूज़ की बल्कि मेरी बहनों ने भी यूज़ की है, और ये ऑलमोस्ट हमारे घर में एक वाहद क्रीम है जो सबने यूज़ की है, और ये बहुत ही अमेजिंग है। और इसका अकेला जो है रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, रिसेंटली ही वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर, वहाँ से जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। और ये क्रीम बहुत ही अमेजिंग नहीं है हमारी स्किन पे 3-4 मंथ तक, बेशक आप इसे 3-4 मंथ तक यूज़ करें, आप इसको साल ही हो गया ऑलमोस्ट जो है इसको यूज़ कर, और इस क्रीम के हमने नहीं देखे कोई भी साइड इफ़ेक्ट। यानी हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, जैसे मेरी कम्बिनेशन स्किन है, मेरी बहनों की एक ही ड्राई है, एक की नॉर्मल है, एक की ऑयली स्किन है, तो ऐसे यानी हर स्किन पर यह क्रीम सूट की है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम इस क्रीम से नहीं हुआ, तो ये भी 10/10 है। उसके बाद ये आ जाती है बायोफिट वाइटिंग क्रीम, तो ये भी मेरी सिस्टर ने यूज़ की है, मैंने यूज़ नहीं की, तो हाँ ये मेरी 2 सिस्टर ने इसको यूज़ किया है। अच्छा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस उनका, उनके लिहाज से जो है वो ये क्रीम ठीक है, फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे, जैसे कि कह दूँ कि बहुत ज़्यादा वाइट आपकी स्किन को मेडिकेटेड क्रीम नहीं करती, आपकी स्किन को सिर्फ नीट और क्लीन करती है, 1-2 लाइटनिंग भी करेंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे ना बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा कर देंगी तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये आ जाती है ये ट्रू मैक्स वाइटिंग क्रीम, इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है और ऑलमोस्ट मुझे 4 महीने हो चुके हैं इस क्रीम को यूज़ करते हुए, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। इस क्रीम ने ना सिर्फ मेरी स्किन को लाइटन अप किया बल्कि ग्लो भी आया है मेरी फेस पे, और बहुत अमेजिंग सा इसके इंग्रेडिएंट जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये भी मैंने फार्मेसी से खुद इंग्रेडिएंट्स जो है वो देख के मैंने परचेज़ किया था इसको, और 4 महीने तक मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। ट्रू मैक्स वाइटनिंग क्रीम की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 700-800 के राउंड अबाउट है, और ये भी एक बहुत अच्छी बजट फ्रेंडली क्रीम है। अगर आप लोगों को ये मिलती है फार्मेसी से तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद ये आ जाती है फेयर एंड पिंक के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, ये भी मैंने खुद यूज़ किया है, ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी बहनों ने भी इसको यूज़ किया हुआ है, और ऑलमोस्ट इस क्रीम के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है क्योंकि इसको 2 साल हो गए हैं, तब भी ट्राई किया था, बीच में बहुत ज़्यादा गैप दे दिया था, उसके बाद दोबारा से इसको जो है वो परचेज़ किया और फिर ट्राई किया,
टीनेजर के लिए ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर टीनेजर मुझसे पूछें कि हमारे लिए कौन सी क्रीम ज़्यादा बेस्ट है, तो उनको मैं तीन क्रीमें रेकमेंड करूँगी, एक फेयर एंड पिंक क्रीम, डर्मोटीन क्रीम और ट्रोमैक्स क्रीम। ये तीनों क्रीम वो यूज़ कर सकती हैं। ग्लैम फेयर ने इतना कोई खास रिजल्ट नहीं दिया, और बायोफेड भी अच्छी क्रीम है लेकिन इतना कोई खास रिजल्ट नहीं देती। मैक्सटिव भी एक बहुत अच्छी क्रीम है, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मैक्सटिव क्रीम है, क्योंकि उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ है। बायोफेड भी आपको 1100-1200 रुपीज़ पे मिल जाएगी। डर्मोटीन भी आपको 700-800 रुपीज़ के राउंड अबाउट मिल जाएगी। फेयर एंड पिंक और ट्रूमैक्स भी 700-800 के राउंड अबाउट ही मिल जाएगी। ग्लैम फेयर की प्राइस भी 600 तक ही है, यानी तमाम की प्राइस जो है वो अंडर 1000 है, मगर जो फेयर एंड मैक्सटिव क्रीम की जो प्राइस है वो 1500 तक जा चुकी है। अब पहले बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी, मगर अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो गई है। ये जी था इन तमाम क्रीमों के बारे में मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की बहुत सारी वीडियो आप तक बाजानी पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी अलॉट। थैंक्स अलॉट।